लेसन फाइव द 100 रेसेस पार्ट फर्स्ट रिटन बाय ईएल बोशर ईस्टर। फर्स्ट वी शैल रीड दिस कॉलम। द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स मिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। हियर नरेटर दिस कॉलम सेज, अ नरेटर वांट्स टू से दैट द पॉलिश मीन्स पोलैंड इन प्रेजेंट, दिस इज द इमिग्रेटेड प्लेस मीन्स द पीपुल ड्वेल्ड आर रिसाइडेड हियर बाय कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स एंड दिस इमिग्रेशन टुक प्लेस इन द 20th सेंचुरी एट लार्ज लेवल ह्यूज लेवल। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एक्सिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वेर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन टू एथनिसिटी। दे वेर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रेलियन पोल्स। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स सुपर्ब्स। नरेटर ही वांट टू से दैट द ड्यू टू बीइंग स्टार्ट पीपुल यूज टू कॉल और रिकॉग्नाइज दोज पॉलिश इमिग्रेंट्स बाई देयर कंट्री मीन्स जिस कंट्री से वे लोग जा करके वहाँ इमिग्रेट करके बसते थे पोलैंड में अमेरिका में, वे लोग वहाँ पे उस कंट्री के नाम से जाने जाते थे। जैसे अगर हम इंडिया से जाकर बस गए वहाँ तो इंडियन पॉलिश, रशियन पॉलिश, फ्रांस फ्रैंक पॉलिश। इन दिस वे पीपल वेयर रिकॉग्नाइज हु वेयर इमिग्रेटेड फ्राम समवेयर टू द अमेरिका इन पोलैंड और पॉलिश एंड इन प्रेजेंट शिकागो एंड शिकागो इज द शिकागो एंड वर्साव दीज टू आर द मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द इमिग्रेटेड पॉलिश पीपल। द कैपिटल ऑफ पोलैंड सुपर्ब सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड नेक्स्ट ओनली टू वर्सा द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पॉलिश अमेरिकन वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेयर द आयरिश इटालियंस एंड ज्यूज। ही यूनाइटेड से दैट इन बिगिनिंग सम डिफरेंशिएशन वाज मेड, सम पार्शियलिटी वाज डन बाय द ओरिजिनल अमेरिकन विद द इमिग्रेटेड पॉलिश पीपल। According to the United States 2000 census, this 2000 United States 2000 census is the noun name of the magazine periodical. 667,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or to 0.25% of the U.S. population. Narrator wants to say that in present time the इस पॉलिश स्पीकिंग पीपुल हैज देयर मेजॉरिटी इन द अमेरिका मीन्स अमेरिका में जो है पॉलिश बोलने वालों की बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी। नाउ वी शुड स्टार्ट लेसन फ्रॉम पेज नंबर 64। टुडे मंडे, टुडे इज मंडे या सोमवार है। वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट, वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट प्रेजेंट इन हर क्लास ऑन हर सीट। But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence, and nobody took care about the absence of the Wanda Petronski. Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. There was room number 13 in which the girls' student used to sit. In them, on the back bench in the corner, Wanda Petronski used to sit. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. Scuffling means the rubbing sound of the rubbing of the legs, feet. Yani pairon ki kharkharahat, sarsarahat ki awaz. Means Wanda Petronski used to sit at such place where usually the rough boys used to sit. But that was not fondness, fond of the Wanda Petronski. Shauk bas ya khushi bas Wanda wahan nahi baithti thi. There was some reason for sitting behind in the corner of the class. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. Wanda wahan isliye nahi baithti thi ki wahan rough aur noisy nature ki thi ya use pasand thi waisi cheezein. On the contrary, opposite to it, she was very quiet and rarely said anything at all.
Her nature was humble and polite, so used to sit there in corner, and nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of a smile, but that was all. Wanda was not habit in laughing loudly. Even she did not smile. She used to remain or used to be in silence, gesture and posture. Sometimes if any subject matter comes for as a harsh laugh, then only she used to give cracky smile, little bit smile, and after it again goes to silent. Nobody knew, koi nahi janta tha, exactly why Wanda sat in the seat. Unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. Nobody was knowing the reason for sitting just behind in the corner among the rough boys, muddy environment in the behind class. Unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with mud. But no one really thought much about Wanda Petrowski when she sat in the corner of the room. When Wanda came from her home to the school through the Boggins Heights street, this Boggins Heights street was filled with mud, clay, dust, etc. So usually what happened that in her feet, these were wrapped and her feet were smashed in those clay and muddy way. So usually students used to think that due to clay feet, muddy feet, Wanda used to sit in the corner. But when she went to sit on the seat, on her seat, then everybody forgot about her sitting in the corner and became busy in their own routine. The time when they thought about Wanda was outside of school hours. At noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of two or three or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. What happened? Usually, other students used to talk and think about the Wanda Petrowski when they became in the way or on the way to the school or on the way to the home after the leave of the school. In the time of the laughing period, means हंसी मजाक जोक आदि के समय में, जैसे बच्चे स्कूल से घर, घर से स्कूल आते आते थे, उस रास्ते में वांडा के बारे में बातें होती, हंसी मजाक होती है, अन्यथा हर कोई अपने अपने कार्य में बिजी हो जाता, फिर वांडा का कोई केयर नहीं करता. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. Sometimes students used to wait for Wanda so that they could make fun at her, with her. At make fun at का मतलब होता है मजाक उड़ाना, to make laugh at का मतलब मजाक उड़ाना, with her का मतलब उसके साथ मजाक करने के लिए. The next day Tuesday, अगले दिन Tuesday, Wanda was not in school either and nobody noticed her absence again. Again she was absent but nobody did care about that. But on Wednesday, that was the other day, third day of the week, and on the Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. On the Wednesday, among other students, Peggy and Maddie, who were friends of the Wanda, they took care, they did notice about the Wanda that she was absent on that day. Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty, she had many pretty clothes and her hair was curly. Maddie was her closest friend. Peggy was the most charming, attractive and intelligent girl in the 13 or in the overall school. Maddie was the best friend of the Peggy. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. And it was reason that Peggy and Maddie took care about the absence of the Wanda was that due to Wanda, in the wait of Wanda, Peggy and Maddie became late to the school. Wanda ka intezar karne mein ki wo bhi saath hi school chale, Peggy aur Maddie late ho gaye the aur is wajah se
वे उनका ध्यान जो है वांडा की तरफ गया क्लास में आकर कि वो आई है कि नहीं, और जब उनका ध्यान गया तो वे पाई कि अरे वो तो आई ही नहीं है, सी वॉज अब्सेंट इन द क्लास, दिस वॉज नोटिस्ड ऑन द डे ऑफ वेडनेसडे बाई पेगी एंड मेडी बिकॉज ऑफ बींग लेट ड्यू टू द वेट फॉर द स्कूल ऑफ द वांडा पेट्रॉन्स की टू हैव सम फन विद हर एंड सी जस्ट हैड नॉट कम. They often waited for Wanda Petrowski to have fun with her. Actually, in reality, it was the habit, daily routine of the Peggy and Maddie to wait for the Wanda Petrowski so that they could have fun with the Wanda Petrowski. वे Wanda का मजाक उड़ा सके, उसके साथ हंसी मजाक कर सके, इसलिए Peggy और Maddie Wanda का इंतजार किया करते थे और इसी वजह से वो उसका इंतजार करते थे और उस दिन इंतजार करने की वजह से लेट हो गए थे, इसलिए उनका ध्यान गया वांडा पे कि वो आई है कि नहीं. नाउ वांडा पेट्रॉन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट. वांडा पेट्रॉन्स्की वाज स्ट्रेंज नेम एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स लॉट ऑफ ढेर सारे सभी लगभग बच्चे जो थे उनके ऐसे नाम नहीं थे जो कि अजीब नाम हो, यानी लाफ एट सब्जेक्ट मैटर हो सके, जिसका मजाक लाफ एट मीन्स मजाक उड़ाना, हंसी का पात्र बनाना है, जिसमें हंसी का पात्र बनाया जा सके, मजाक उड़ाया जा सके, ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं था किसी के नाम में सिवाय वांडा पेट्रॉन्स्की और एक बच्चे के. दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस स्मिथ और एलन. एवरी चिल्ड्रेन ऑफ द क्लास हैव गुड नेम टू आस्क टू कॉल इजीली to speak easily, to announce easily, but Wanda's name was something strange, so due to this reason, it was subject matter of laughing at. There was one boy named Bounce. एक बच्चा था जिसका नाम Bounce था, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petrowski was. एक बिल्ली बाउंस नाम का लड़का था क्लास में, and her name Bounce was also subject matter of fun. Name was the funny in speaking, but rather less in the comparison to the Wanda Petrowski word. यानी बिल्ली का जो बाउंस नाम था वह भी तो हंसी का पात्र था, कुछ ऐसा था, but वह जो था Wanda Petrowski के नेम की अपेक्षा कम था. That was less in the comparison to the Wanda Petrowski. So student used to make laugh at on the only Wanda Petrowski. Wanda did not have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that did not hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. कह रहे हैं राइटर कि there was great lack of the Wanda in the field of friendship. यानी जो socialization था Wanda का, friendship का group था, वह बहुत कम था, नौ के बराबर था, एक भी friend नहीं थे. और वह daily एक ही blue dress पहन के आती थी, हालांकि वह dress साफ सुथरा हुआ करता था, बट ऐसे भी दिखता था जैसे कभी सदियों से प्रेस ही न किया गया हो. She did not have any friends, but a lot of girls talked to her. उसके पास और ज्यादा फ्रेंड्स तो नहीं थे, लेकिन लड़कियां बहुत थीं दोस्त उसकी, लेकिन जो फ्रेंड अपना क्लोज फ्रेंड ट्रू फ्रेंड जिसपे ऑन होम शी कुड रिलाई दैट वॉज नॉट विथ हर. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as they stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. Hopscotch is the game type of game like खो खो. तो क्या होता, कभी कभी लड़कियां उसे ग्राउंड में घेर लेती, बड़े बड़े बच्चे लड़कियां, और छोटे बच्चे जो हॉपस्कॉच गेम खेल रहे होते उनके यहाँ वो खड़े होकर ये गेम देखा करती कि बच्चे कैसे खेल रहे, लेकिन उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करती. इतना हम्बल और शाई नेचर की थी, ऑल अलोन बिल्कुल अकेले रहा करती थी. Wanda Peggy would say in a most courteous manner. Courteous manner means in polite, very polite manner. Peggy Wanda ko bulati, Wanda, and as though she were talking to Miss Mason. Aur jo hai itna lovingly Peggy bolti jaise mano ki wo Miss Mason, that is the teacher ka naam hai un bachon ke, in Peggy, Maddy, Wanda aur Dashna se. To aise lovingly aur respectfully Wanda ko kabhi kadhar bulati jaise malum padta ki wo apne teacher se baat kar rahi ho. It seems that she had been talking with her teacher. In same way, she used to call name of the Wanda Petrowski. Wanda, she would say saying, Wanda,
सी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स नज, एन यू डी जी ई नज मींस होता है धीरे से पुश करना, जैसे आप लोग अपने किसी फ्रेंड से मजाक कर रहे हो, धीरे से दूसरे फ्रेंड को पुश करते हो, ब्लिंक करते हो, इशारा करते हो, देखो कैसे मैं मजाक बना रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड नज, एन यू डी जी ई। तो कह रहे हैं कि वह कभी कभी वांडा से बुला दी और इस तरह से कह करके लविंगली वांडा, और फिर उसके बाद अपने अदर फ्रेंड को पुश करती, डिस्टर्ब करती कि देखो मैं कैसे इसका फन बनाती हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू मेक फन ऑफ दिस गर्ल। टेल अस हाउ मेनी डिशेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, और पूछती कि वांडा तुम सही सही बताओ कि तुम्हारे पास टोटल कितने ड्रेसेस हैं जो तुमने हमें बताया था कि तुम्हारे क्लोजेट में, दैट इज सीओलोया सिटी क्लोजेट में, सालमीरा आलमारी में हैं। 100 वांडा वुड्स में, इतना वांडा कहती कि अरे 100 ड्रेस हैं। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली, इन आई एन सी आर ई डी यू एल ओ यू एस एल वाई, इनक्रेडुलसली का मतलब होता है अविश्वसनीय, अनबिलीविंगली अविश्वास से एकदम आश्चर्यचकित होकर। तो जो है वो जब कहती, वो पूछती कि तुम्हारे अलमारी में कितने ड्रेस हैं तुमने बताया था, तो वो कहती मेरे अलमारी में 100 ड्रेस हैं, और यह बात सुनकर के सभी हंसने, अनबिलीविंगली विश्वास तो नहीं होता और इस वजह से सब उस पर हंसने लगते। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉस्पॉच एंड लिसन, और छोटे बच्चे जो थे खेलना बंद कर देते हॉस्पॉच गेम, और एक बैग आश्चर्यचकित बहुत छक्के होकर उसकी तरफ देखती कि अरे इसके पास 100 कपड़े हैं, ये 100 ऑल लाइंड अप, और वो कहती हाँ ये वाई एच ये मीन्स यस, हाँ मेरे पास 100 कपड़े हैं। सैड वांडा, देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और ऐसा कहकर फिर वांडा चुप हो जाती। व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क, आई बेट, सैड पेगी, पेगी कहती कि आई बेट, मैं शर्त लगाते हूँ कि व्हाट आर दे लाइक, वे कैसे होंगे, ऑल सिल्क, क्या सभी सिल्क कपड़े के हैं, ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स, तब वांडा कहती येस, वे सभी कपड़े, ऑल दोज क्लोथ्स आर ऑफ सिल्क क्लोथ एंड इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। वेलवेट टू, और फिर वही पांडा कहती कि सिल्क के साथ वेलवेट यानी मखमल के भी कपड़ों के मेरे ड्रेस हैं, ये वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टोलिडली, और वांडा stolidly स्टोलिडली का मतलब होता है उदासीन भाव से, यानी हम आपका मजाक उड़ा रहे हैं फिर भी आप हमारी तफ्तिया नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली आप रिप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोलिडली। तो कह रहे हैं कि जब पेगी इस तरह से पूछती तो वांडा बिना कुछ महसूस किए हुए एडवर्स उल्टा सीधा वह रिप्लाई करती कि हाँ हाँ वेलवेट और सिल्क के हैं 100 ड्रेसेस हैं, आई हैव लॉट ऑफ 100 ड्रेसेस मेड ऑफ वेलवेट एंड सिल्क इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, आई थिंक क्लियर, आर लाइंड अप इन माई क्लोजेट मीन्स ऑल आर और ऑल हैव बीन अरेंज्ड और ऑल आर अरेंज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट रोज इन अरेंज्ड वे, दे Then they would let her go, and finally, after getting such reply, they, means the all students, allowed to go to Wanda Petrowski to the home, and then before she would gone very far, जब तक वह कुछ दूर जा पाती, they could not help bursting into, तब वे जोर से ठहाके कि हंसी के बिना खुद को नहीं रोक पाते थे, एक साथ हंसने लगते थे जो ही वो आगे बढ़ती, shrieks and peals of laughter, और जोर जोर से आपस में हंसने लगते, बात करने लगते बच्चे। 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली, 100 ड्रेस ऑब्वियसली क्लियरली, द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, कहते कि 100 ड्रेस है, कहती है सी सेड सेज दैट शी हैड 100 ड्रेसेस बट इन रियलिटी सी हैड ओनली वन, इफ सी हैड 100 ड्रेसेस देन व्हाई डिड सी यूज टू वियर और पुट ऑन ओनली वन ड्रेस रेगुलरली टू द स्कूल, सो वाई डिड सी से सी हैड 100, वाट अ स्टोरी, अब ये सोचते कि क्या मामला है, क्या मैटर है कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं, कुछ न वजह होगी, और या तो वो झूठ बोल रही है या फिर उसके पास 100 है तो वो एक ही पहन के क्यों आती है। सो वाई डिड सी से 100, वाट अ स्टोरी, हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, फिर वो पूछते कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं, तुमने कितने बताए थे, 60 पेयर्स आर लाइंड अप इन माई क्लोजेट, तब वो रिप्लाई करती कि सी हैड 60 शूज पेयर ऑफ शूज इन हर क्लोजेट इन अरेंज्ड मैनर, तब वह बताती जब वो पूछते कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं तुमने बताए थे, तो वो कहती कि मेरे पास 60 जूते हैं जोड़ी, और वो सब मेरे अलमारी में अरेंज मैनर में रखे हुए हैं। Cries of exaggeration, politeness greeted this all alike. और फिर सबके सबको एक साथ हंसी आ जाती, सबको मजा आ जाता है एक साथ, जब वो यह रिप्लाई करती कि मेरे पास 60 पेयर
जो जा साथ जोड़ी जूते हैं और सभी अलमारी में अरेंज मैनर में रखे हुए हैं। और यह बात सुन करके अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू लाफ लाउडली आ बर्स्ट आउट इन लाफ। Cries of exaggerated politeness greeted with all like, oh no, every pair is different, all colors all lined up. अब वो कहते कि अरे नहीं, हर different different color हैं और सभी अलग अलग colors के हैं और सभी सजे हुए हैं, एक line में रखे हुए हैं। Peggy who had thought of this game and made her inseparable friend were always the last to leave. Now students, I will stop here and further in next video I shall complete this lesson because I am being called here by Dharmendra sir in office due to some reason. So okay, thank you, bye.